पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का तनाजा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हमजा शहबाज को चेयरमैन बनाने पर राजी हो गई है। पंजाब असेंबली इजलास से कबल जल्द हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। इखलाक बताइएगा कब तक मुज़ाकरात होंगे? जी ये साले नौ की अगर ये कहा जाए कि साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है पंजाब असेंबली के हवाले से तो भेजाना होगा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत को तहरीक इंसाफ की आला क्यादत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हुकूमत एक बार फिर अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात करने का फैसला हुआ है। पंजाब में पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के मानवे पर बड़ा ब्रेक थ्रू भी होने का इम्कान है। हुकूमत बिलाकर हमजा शहबाज शरीफ को चेयरमैनशिप देने पर राजी हो गई है। हुकूमत ने कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत हमजा शहबाज को चेयरमैनशिप देने पर रजामंदी जाहिर की है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत पंजाब काबीना को इत्माद में लेने में कामयाब रही है। 7 जनवरी को पंजाब असेंबली का इजलास होना है, उससे कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मुजाकरात होंगे जिसमें बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है। और हुकूमत ने अपोजिशन से चेयरमैन पीएसी के बदले कायमा कमेटियों की तश्कील और कानून साजी में मोहलत मांगने का फैसला किया है। अगले इजलास में पीएसी समेत तमाम कायमा कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक राय होने का इम्कान है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत जल्द अपोजिशन से। शुक्रिया अखलाक अहमद बाजवा, तफसीलात से आगाह किया आपने।